बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद, रब इशरहली सदरी वसरली अमरी वालुलुक्तम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और हुज़ूर, अगर देखिए पिछले 25 साल या छोड़िए उससे भी पीछे जाइए तो 80 की दहाई में, हालांकि अफ़गानिस्तान के ऊपर हालात ख़राब होने, रशिया के और अफ़गानिस्तान के होने शुरू हो गए थे, तो 2 लफ्ज़ जो थे वो नहीं सुने हुए थे। एक तालिबान का लफ्ज़ जो था वो किसी की डिक्शनरी में नहीं था, ये भी क्रिएट किया होगा किसी ने बड़े सोचे समझे मनसूबे के बाद। और दूसरा, अदम बर्दाश्त का लफ्ज़ हमने नहीं सुना हुआ था। इनटॉलरेंस जो था ये भी लफ्ज़ को बहुत ज़्यादा बहुत हल्कों में, अमूमी हलकों में भी, इल्मी हलकों में तो बिल्कुल ही नहीं, वैसे भी ये होता नहीं था, लेकिन ये वो ज़माना था जब सारा का सारा माशरा शिद्दत के साथ 2 हिस्सों में तकसीम था। यानी कि मैं तालिब इल्मों की बात कर रहा हूँ, आधे लोग जो थे वो सुर्खे होते थे और आधे लोग जो थे वो सब्ज़े होते थे। इतना मुख्तलिफ नज़रिया होने के बावजूद भी अदम बर्दाश्त का ना तो लफ्ज़ कभी सुनने में आया था और ना ही अदम बर्दाश्त कहीं नज़र आई थी। लेकिन फिर अचानक क्या हुआ कि इस माशरे ने खुसूसी तौर पे ये एक ऐसा लिबास पहना है कि अब आप टॉप टू बॉटम रियासत को देखें, सियासत को देखें, जिसको मर्ज़ी देखें, गिबत और चुगली जो है वो आपका पैराडाइम बन चुका है। आपने उसी के साय में अपनी सारी पॉलिसीज़ बनानी है, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाना जो है उससे कोई बईद नहीं है, जितना चाहे आप झूठ और सच जो है उसका मुकाबला देख लें ट्वीट पे, इज्जत और बेइज्जती का जो मकाम है वो बिल्कुल नहीं रह गया। लेकिन ये कमाल ही बात है कि जब आपकी यूथ, व्हेन आई से यूथ आई मीन पीपल अराउंड 25 एंड बिलो 25, ये बड़ी अहम कौम होती है जिसने के मुस्तकबिल की बागदौड़ पकड़नी होती है या पकड़ने वाले होते हैं या पकड़ चुके होते हैं, जब इनके मजाजों में तब्दीली आ जाए तो फिर मेरे ख्याल में इज्तमाई तौर पे इस माशरे को बैठ के कहीं ये फैसला करना पड़ेगा कि हमसे कोई गलती हुई है या हम बराबर कोई गलती कर रहे हैं। सिर्फ डायग्नोस करने से शायद बात ना बने, मेरे ख्याल में स्टैटिस्टिक्स को बहुत साइंटिफिक तरीके से एनालाइज करने से भी अब हमें परहेज़ नहीं करना चाहिए। और जिस तरह ये मरदमशुमारी कर रहे हैं घर घर जाके, मेरे ख्याल में अब हमारे पास ये वक्त आने वाला नहीं, आ चुका है कि हम इस बात को समझने की कोशिश करें कि आखिर स्कूलों से लेके, कॉलेजों से लेके, यूनिवर्सिटी से लेके, अदारों से लेके, गली महलों से लेके, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे अदम बर्दाश्त का लफ्ज़ इस्तेमाल ना हो रहा हो। आज इंतहाई मोहतरम डॉक्टर सदाकत हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, खैरियत से? डॉक्टर साहब, अदम बर्दाश्त तो बढ़ रही है ना, इस पे तो कोई दो राय नहीं है? इस पे तो कतई दो राय नहीं है, लेकिन ये क्यों बढ़ रही है ये अभी हम बात करते हैं। जी बिल्कुल, सखावत भाई हमारे साथ है, अस्सलाम वालेकुम सखावत भाई, खैरियत से? और जनाब ज़ाहिर है सखावत भाई हैं तो फिर ये बताएंगे कि मजहबी तबका इसके अंदर कितना शामिल है और इसके अंदर क्या किरदार अदा कर रहा है। डॉक्टर रज़ा तनवीर जो कि SP इन्वेस्टिगेशन है वो भी हमारे साथ इंशाल्लाह होंगे। इमरान यकूब इंतहाई सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो भी अपनी राय ज़रूर देंगे, लेकिन फहद भट्टी जो कि हमारे क्राइम रिपोर्टर हैं इनसे ही बात शुरू करते हैं। और ये देखिए कि ये वाकया कितना अनहोना है, कितना ही अनहोना है कि अगर खेल भी आपके लिए ये एक मौत का पैगाम लेकर आ रहा है, तो फिर हम जो कहते थे कि खेलों के मैदान होने चाहिए, तो फिर क्या वो मैदान जो है वो इन्हीं कामों के लिए होंगे? फहद भट्टी, ज़रा थोड़ा सा बताइएगा ये वाकया जो पेश आया लाहौर में, ये क्या था? सर, चंद रोज कबल ये सब्जार के इलाके में वाकया पेश आया था। हाँ। जिसमें दो दोस्त, जो एक दोस्त जिनमें जिसका चाय का स्टॉल था, दूसरा दूध दही की दुकान पे काम करता था, सदीक जिसका चाय का स्टॉल था, वो और अपने दोस्त के साथ शहजाद के साथ रोजाना रात में फ्री होके 9-10 बजे के बाद ऑनलाइन लूडो गेम खेलते थे। अच्छा। तो 13 तारीख की शब को दोनों दोस्त बैठे लूडो गेम खेल रहे थे, ऑनलाइन लूडो गेम मोबाइल पे। हाँ। तो अचानक से उनकी आपस में तल्ख कलामी हुई है। हाँ। लूडो गेम खेलने पे ही तो शहजाद जो है वो तैश में आ गया और वहां से उसने लड़ाई झगड़ा किया और चला गया वापस। थोड़ी देर बाद वो वापस आया तो उसके हाथ में पिस्टल था, उसने अपने दोस्त को ताना, उसने दोस्त ने अपने आप को बचाने की कोशिश की, जो वहां पे दूसरे लोग थे उन्होंने भी उसको रोकने की कोशिश की कि आप फायर ना करें, फायरिंग ना करें, लेकिन शहजाद तैश में आया हुआ था, गुस्से में था, शदीद गुस्सा था उसे न जाने किस चीज का, अचानक छोटी सी बात पे लड़ाई हुई थी, उसने फायरिंग की और सदीक को एक फायर लगा और वो नीचे गिर गया। लोगों ने उसको मजीद रोका लेकिन लोग डर गए और पीछे हो गए। सदीक अभी जख्मी था और शहजाद के पिस्टल से गोलियां खत्म हो चुकी थी और शहजाद जो है वो दोबारा बड़े आराम से उस जख्मी अपने दोस्त के ऊपर खड़े होके
बड़े आराम से मैगजीन अपनी भरता रहा और उसके बाद दोबारा उसने 3-4 फायर किए सदीक पर और उसको वहीं पर मार दिया। वहां से निकला शहजाद, थोड़ी ही दूर जाके उसने अपने आप को भी गोली मार दी। जान लेने के बाद जान देने का ये कोई पहला वाकया नहीं है लाहौर में, इससे पहले भी ऐसे कई वाकया। ये बताइएगा भट्टी के, ये लोग जुआ खेल रहे थे या सादा लूडो खेल रहे थे, कोई इस पे कोई बात पता चली? नहीं सर, जो एनी शाहिदीन से मेरी बात हुई, मैं खुद वहां पे मौके पे गया, मैंने सारा वो जो जायब कुआ है वो मैंने विजिट किया, वहां पे लोगों का ये कहना था कि ये दोनों जुआ नहीं थे खेलते, जुआ नहीं थे खेलते। चाय का स्टॉल है सदीक का, उसके बिल्कुल 3-4 दुकानें छोड़ के दुकान है दूध दही की, वहां पे शहजाद काम करता है। दोनों रात में जब अपने काम से फ्री होते हैं तो ये वहां पे बैठ के लूडो गेम खेलते थे, जुआ नहीं थे खेलते, आपस में बस एक दूसरे के साथ वो मजाक करने के लिए मजाक वगैरह करते रहते थे ये लोग, लेकिन लड़ाई झगड़ा ऐसा पहले इनका कभी नहीं हुआ कि बात इस नौबत तक आ जाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू भट्टी, बहुत शुक्रिया। हमारे पास डॉक्टर साहब है जी, डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर रजा जी, अस्सलाम वालेकुम सर। डॉक्टर रजा, ये वाकया तो हमने सुना अपने रिपोर्टर से, इसमें कोई आप एडिशन करना चाहें कि एक लूडो खेलने पे इतना अतराज, इतना गुस्सा, या इसका पस मंजर कुछ और भी है? जी फहद ने बड़ी अच्छे तरीके से जो है वो इसको वाइंड अप भी किया है, बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी किया है। अगर हम इसको क्रिमिनल जो जस्टिस सिस्टम है या हमारा जो क्रिमिनल सिस्टम है उसमें अगर हम देखें तो जो वकुआ करने का जो एंड यूजर है वो तो हमारे सामने भी है और वो उसने अपने आप को ख़त्म भी कर लिया, तो वो तो वहाँ पर जो है जिसको हम कहते हैं एंड यूजर ने फिनिश करने के बाद उसको साकित हो गया और उसको साकित चरान या हम जिसको कहते हैं वो होगा उसके अंदर। लेकिन इसमें जो पहलू है और जिसके ऊपर आप लोगों ने आज प्रोग्राम भी किया है जो कि बहुत एक अच्छी बात है, और जैसे फहद ने भी आपसे कहा कि ये कोई पहला वाकया नहीं है कि जिसके ऊपर जो अदम बर्दाश्त और ये सारी चीज़ें जो आ गई हैं, इसी तरह से जो है अगर देखा जाए तो 3-4 महीने पहले जो है वो शादरा में भी एक हस्बैंड जो है वो अपनी नाला बीवी को मनाने गया, तो वहां पर भी उसने जब गुस्से में आके ना सिर्फ अपनी बीवी को बल्कि साथ में उसकी बहन को और वालदा को भी मार दिया, फिर आखिर में खुद भी अपने आप को मार दिया। डॉक्टर साहब, आपको अदम बर्दाश्त माशरे में पहले से ज्यादा नजर आती है या पिछले, अगर आप अपने यूनिवर्सिटीज डेज देखें, FSC से लेके मेडिकल कॉलेज से देखें, आपको कैसा नजर आता है कि अदम बर्दाश्त बढ़ रही है माशरे में और उसकी कोई वजह आपको एज अ पुलिस ऑफिसर कुछ समझ में आती है? जी जी बिल्कुल, ये बड़ा एक पर्टिकुलर और बड़ा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको जरूर हमें समझना भी चाहिए कि अदम बर्दाश्त या इंटॉलरेंस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है और उसकी रेशियो अगर आप देखें तो पिछले महीनों में जो है और इवन वीक्स में भी बढ़ती जा रही है। लोग जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो बिल्कुल प्यार मोहब्बत या किसी से बात करने के तो दूर की बात है, वो कोई भी हल्का सा जो अगर आप इवन रोड्स पे भी आप देखें, वो बाज लोग कहते हैं कि अगर आपने किसी बंदे किसी सोसाइटी की तहजीब के बारे में या उसकी जो है वो मिजाज के बारे में या तमीज़ के बारे में समझना हो तो आप ट्रैफिक को देख लिया करें, आप अपनी ट्रैफिक को भी देख लेंगे, आपको जगह जगह पे लोग जो है ना वो कभी किसी को हॉर्न मारते हुए, कभी किसी को जो है वो उलझते हुए नजर आएंगे। डॉक्टर साहब, आपको बैसियत पर्सन, बैसियत शहरी पाकिस्तान, बैसियत एक यूजर के, आपको क्या लगता है कि ये फ्रस्ट्रेशन क्यों आ रही है और सिर्फ हमारे ही माशरे में है या आपको ऑल ओवर नजर आती है? ये ज्यादा हमारे माशरे में ही नजर आती है क्योंकि इसकी 2-3 वजूहात हैं जो मैं पर्सनली, चूंकि मैं चूंकि मेडिकल साइंस से भी मेरा ताल्लुक है और इसके अलावा पुलिस में तो रोजाना ही लोगों से उठते बैठते हैं, मिलते भी हैं और देखते भी हैं क्या हो रहा है। बेसिकली जो इसका मुझे रीजन समझ आ रहा है वो है जो हमारा दूरी है आपस में, कि एक ही घर में जो है वो जो बाप है उसको बच्चों का नहीं पता होगा कि वो बच्चे क्या कर रहे हैं, या वो अगर थका हारा आएगा इस तरह से बच्चे जो है वो आपस में दूर होंगे, मतलब भाई जो है वो, मतलब पुराने जमाने में तो ये था कि लोग आपस में रात को बैठते थे गाँव के चार पैर लगा के और फिर उसके बाद एक दूसरे से मिलते थे और गप शप लगाते थे, बातें करते थे, लेकिन अभी जो ये ना बातें करने का मेरे खाने दूरी है और इस तरह से एक दूसरे का डिस्कशन नहीं होती है, ये चीज एक बहुत एक अहम चीज है कि जो जो कि हमारी सोसाइटी में खत्म होती जा रही है। जब तक एक बंदा जो है वो किसी बंदे से बात नहीं करेगा तब तक जो है वो उसके ऊपर कोई वो चीज नहीं होगी। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सेकंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है जिसपे आप जरूर डिस्कशन भी कीजिएगा कि हमारे सोसाइटी में ना जो एंग्जाइटी है या डिप्रेशन है या इस तरह की जो साइकोलॉजिकल इशूज है
वो अगर कोई बंदा कहे ना कि मैं थोड़ा सा परेशान हूँ या मैं थोड़ा सा कोई डिस्टर्ब हूँ या डिप्रेस्ड हूँ, हम उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। हालांकि वेस्टर्न वर्ल्ड में या जो जितनी प्रोग्रेसिव सोसाइटीज है वहाँ पे अगर कोई बंदा कहे ना कि मुझे कोई डिप्रेशन है या मुझे कोई परेशानी है, एंग्जाइटी है, तो फौरी तौर पर उसको लोग जो है ना वो कंसोल भी करते हैं, उसको बात भी करते हैं, उससे कोशिश करते हैं मसला हल हो। वेयर एज हमारी सोसाइटी में देखा जाता है वो अपने से बंदा जो है या तो हंसना शुरू हो जाते हैं या उसको बताते हैं कि नहीं हाँ जी क्या यार ऐसे क्या कर रहे हो, ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई, ऐसे हम जो है ना वो उस चीज़ को भी जो है वो नहीं। डॉक्टर साहब आपकी तवा के लिए ये बात बता रहा हूँ, आपका बहुत शुक्रिया। वो एक ज़माना था, मेरा भाई जो था वो लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर साहब पढ़ता था, तो वहाँ पे सईद इलाही वगैरह जो थे पॉलिटिकली बड़े एक्टिविस्ट थे, तो वहाँ पे दो ग्रुपों की आपस में कॉलेज के अंदर लड़ाई हो गई। तो प्रिंसिपल साहब ने जब दोनों ग्रुप्स को काउंटर किया और बुलाया तो उन दोनों ने कहा कि जनाब हमारी कोई लड़ाई नहीं है, हम तो भाई भाई हैं, अंदर से जिप्पियाँ डालने लग गए। मतलब उनका ये था कि लड़ाई हमारे बीच रहेगी, हम एक दूसरे के कैरियर से नहीं खेलेंगे। झगड़े के अंदर भी एक मैार ज़िंदगी जो है ना, मैंने तो यूनिवर्सिटी के लेवल पे वो भी देखा है। आप सखावत भाई आप इस पर क्या कहिएगा, अदम बर्दाश्त पहले तो ये बताइए कि माशरे में क्यों आई है और इस अदी तौर पे ज़िम्मा किसके कंधे पे आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला हबीबी सैयदना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। बहुत शुक्रिया बिलाल भाई आपने वक्त दिया। देखें अदम बर्दाश्त की सबसे बड़ी वजह मैं ये समझता हूँ दीन से दूरी है। अगर किसी का दीन के साथ ताल्लुक हो, दीन को पढ़ें, दीन को समझें, दीन के करीब आएं, तो ये चीज़ें कम हो सकती हैं। तो फिर ये जो तहरीकें हैं सखावत भाई लबैक मसाल के तौर पे, ये रास्ते ना बंद करें। सर मैं मसाल दे रहा हूँ, तहरीकें जो जितनी मजहबी तहरीकें हैं के अंदर, सर मैं नज़र तो वहाँ भी हर फील्ड के अंदर अच्छे बुरे सभी होते हैं। मैं किसी भी शख्सियत पर तनकीद नहीं करना चाहूँगा, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि अगर दीन के करीब आते, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन पढ़े होते। ये तो नहीं कह सकते ना कि वो दीन के करीब नहीं है, वो तो नारा ही इंतहाई खूबसूरत और सर नारा इंतहाई खूबसूरत है। मैं बात कर रहा हूँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की, ठीक है जी। मैं ये नहीं कह सकता कि फलां बंदा जो है वो मुकम्मल तौर पे दीन के ऊपर गामजन है, फलां बंदा मुकम्मल। अगर मैं इस बात को, आपकी बात बिल्कुल वजह है, लेकिन अगर इस बात को मैं एक पिलर बना लूं और एक असूल बना लूं, तो फिर अदम बर्दाश्त जो है वो इस्लामी माशरे में नहीं होनी चाहिए और गैर इस्लामी माशरे में होनी चाहिए, जबकि स्टैटिस्टिक्स इसके बिल्कुल उलट। जैसा कि सर मैंने अभी अर्ज़ किया है कि हर तबके के अंदर अच्छे बुरे लोग होते हैं। अगर आप उलमाए हक के पास जाएंगे, दीन को उलमा से सीखेंगे, मैं उसकी मिसाल अभी अर्ज़ करता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है जिसको मुसनद अहमद ने जिक्र किया जी। उस हदीस मुबारक का मफहूम है, तवील हदीस है, उसके अंदर एक बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि अगर कोई बंदा जुल्म को बर्दाश्त करके झगड़े को ख़त्म करने की कसम बयान फरमा के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का तज़किरा फरमाया, फरमाया अगर कोई झगड़े को ख़त्म करने के लिए जुल्म को बर्दाश्त करके खामोश हो जाएगा, अल्लाह ताला उसकी इज्जत को बुलंद करेगा। अब देखें अगर अपने मिजाज के खिलाफ कोई बात हो और हम कहें जी ये फलां कौन होता है मेरे ऊपर तनकीद करने वाला, तो ये तालीमात इस्लामिया के खिलाफ हैं। और दूसरी बात, एक तो दीन से दूरी, दूसरी बात हमारी सोसाइटी के अंदर यूं समझ लें कि माएँ अपने बच्चों की उस तरह परवरिश नहीं कर रही जिस तरह करनी चाहिए थी। उसकी वजह, उसकी वजह फिर वही माएँ दीन से दूर हैं, माएँ दीन से दूर हैं। तो अगर दीन ही हर चीज़ का नुस्खा हयात है बिल्कुल, तो फिर मेंबर सारी जिम्मेदारी उठाता है क्या इस बात की कि जो माशरे की तश्कील हुई है मेंबर की नाकामी है? सर यही बात है कि हम जब किसी इमाम मस्जिद का इंतखाब करते हैं तो हम उसमें क्वालिटीज़ क्या देखते हैं, हम उसमें क्या देखते हैं कि ये बंदा मिंबर व महराब का काबिल है या नहीं है। हमें उसकी ये भी देखना चाहिए क्या उसके अंदर बर्दाश्त का मादा है। आपने किसी की तबीयत को देखना, उस पर तनकीद करके देखें। आपने अगर मुझे देखना है मेरे अंदर क्या, आप मेरे ऊपर तनकीद करें किसी जायज़ मकसद के लिए, अगर मैं उस हवाले से गुस्से में आ जाता हूँ तो फिर समझ लें कि डॉक्टर साहब आपके ख्याल में ये अदम बर्दाश्त इस माशरे का ये माथे का टीका क्यों है? देखिए इसका ताल्लुक हिस्ट्री से है, लेकिन मैं पहले एक बात बताना चाहूँगा तो आपको समझ में आ जाएगी सारी हकीकत कि इंसान के अंदर बहुत कुछ और मखलूकात का भी आप परतव देख सकते हैं, अमीबा से ले के जो कि एक सिंगल सेल सिंगल लाइफ है, सिंगल लाइफ है और उसको भी अब तपिश मिलती है तो वो दूर भागता है और सर्दी मिलती तो उधर वो चलता है। तो आप यूँ समझ लें कि अमीबा से ले के दरिंदों तक और परिंदों तक और सांप और दीगर जो हशरातुल अर्ज हैं
उनकी भी कुछ कुछ सिफात जो हैं वो इंसान के अंदर पाई जाती हैं, और वो इंसान की एनिमल साइड है। ठीक, किसी में कुछ जानवर होता है, किसी में कुछ जानवर, किसी में पूरा चिड़ियाघर भरा होता है, और एक उसके अंदर इंसान भी होता है। और इंसान जो है वो तहजीब व तमद्दन से मुतासर होता है, वो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाता है, मस्जिद जाता है, टीवी चैनल्स देखता है, सोशल मीडिया देखता है, और उसकी ग्रूमिंग होती है। जैसी भी उसके हवासे खमसा से चीज़ें उसके अंदर पहुंचती हैं, वो उसकी ग्रूमिंग हो रही होती है, और आहिस्ता आहिस्ता वो अपने अंदर से जानवरों को निकालना शुरू करता है, उनको दबाता चला जा रहा है, निकालता है। और ये उसका सफ़र चलता रहता है, और जो जो उम्र बढ़ती रहती है तो उसके अंदर से जानवरों का इनखला होता रहता है या होना चाहिए। ठीक, अब ये जो जानवरों का वजूद है ये हार्डवेयर के ज़ुमरे में आता है इंसान के अंदर, ये बिल्ट इन है, ये हार्डवेयर है, ये न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं, ये हारमोन्स हैं, जो जानवरों वाली सिफात इंसान के अंदर हैं या अमाल हैं वो सारे हार्डवेयर का हिस्सा हैं, और जो इंसानों के औसाफ हैं ये उसका सॉफ्टवेयर है। जैसे पैदा होता है तो कान में अजान है, तो फिर माएँ सिखाती हैं बच्चे को कि तुमने कैसे ज़िंदगी गुजारनी है अपनी स्वाबदीद की हद तक। ठीक, और जो उन्होंने और सॉफ्टवेयर के अंदर आपको प्रॉब्लम नज़र आ रहा है। हाँ, क्योंकि जो कुछ माओं ने अपने बहुत ही इब्तदाई उम्र में सीखा होता है, जब बच्चा पैदा होता है 30 साल के बाद, तो वो उसको वही सिखा रही होती है, यानी बचपन की सीखी हुई बातें बच्चों को सिखाई जा रही है। ये बात आपको कहाँ तक रैशनल लगती है कि हम हर चीज़ का जो दारो मदार है वो कर देते हैं उलमा सू और उलमा हक पे, लेकिन आज तक इस माशरे में यकीन करें आपको किसी जगह से भी उलमा सू की लिस्ट नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि उनका जिम्मा है, जबकि उलमा हक सारे हैं। वक्त बदल चुका है, सवाल वही है लेकिन जवाब बदल चुके हैं। असल बात यह है कि इंसानों को शुरू से ही तालीम और तरबियत की ज़रूरत थी, और उसके लिए अल्लाह ताला ने बंदोबस्त किया। कुरान और हदीस काफ़ी नहीं था, अल्लाह ताला ने बंदोबस्त किया, पैगंबर आए, उन्होंने अल्लाह का पैगाम पहुँचाया, और वो सारे के सारे मेसोपोटामिया के अंदर आए। लेकिन अब जो है आप देख लीजिए कि जैसे मसवाक की जगह ब्रश आ गया, तो जो तालीम तरबियत है वो साइंस के हाथ में, साइकोलॉजी के हाथ में आ गई। वक्फा लेके वापस आते हैं और जनाब ये तज्जिया करें कि वाकई अदारे कौन से होंगे जो कि तालीम तरबियत की जिम्मेदार होंगे। तालीमी अदारे होंगे, स्कूल होंगे, कॉलेजेस होंगे, मसाजिद होंगे, या तमाम होंगे। वापस आइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान यकूब भाई हमारे साथ हैं। इमरान भाई, आपके गैर मौजूदगी में हमने बात की कि इनटॉलरेंस जो है इस माशरे में बढ़ती चली जा रही है, और उसकी वजूहात जो हैं हमारे शफात भाई कहते हैं, सदाकत भाई कहते हैं कि इनटॉलरेंस इसलिए क्योंकि दीन से दूरी है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि इनटॉलरेंस इसलिए आती चली जा रही है क्योंकि माशरे में कन्फ्यूजन जो है वो बहुत है, अच्छे और बुरे आपस में मिक्स हो गए हैं और कख समझ नहीं आ रहा, और लोग अपना प्राइवेट टाइम जो है वो इंटरनेट पर ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं रादर देन के वो एक ह्यूमन नेटवर्किंग जो है वो बनाए। अब तो हमारे फ्रेंड्स जो हैं, देखो ना नाम भी हमने क्या दिया, फ्रेंड्स हैं, वो आपके जनाजे पे कभी आएंगी, निनाब की खुशी में शामिल होंगे ना गम पे होंगे। इस माशरे में खसूसी तौर पे इमरान भाई जो लोग हैं वो इनटॉलरेंट हैं टू एन एक्सटेंड कि अब खेल के अंदर हार जो है वो भी कत्ल का बायस बन जाती है। ये खसूसी तौर पे मन्नत पाकिस्तान ने मानी हुई है या आपको लगता है कि ये हम एक गलत बयानिया जारी कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई देखिए, मैं तो ना तो माहिर नफ्सियात हूँ, ना साइकेट्रिस्ट हूँ, ना ही डॉक्टर हूँ, लेकिन जर्नलिज्म के एक तालिब इल्म की हैसियत से और सोशियोलॉजी के एक तालिब इल्म की हैसियत से मैं ये समझता हूँ कि इसकी बुनियादी वजह जो है वो तो वैसे मजबूरी तौर पे तो पूरी दुनिया में इस तरह का रुझान जरूर है, लेकिन पाकिस्तानी जो है वो हम आपको पता है कि हर नेगेटिव चीज में ज्यादा आगे जाने की कोशिश करते हैं, ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो हमारी सोसाइटी में कुछ ज्यादा है। उसकी वजह दो तीन है मेरे नजदीक। सबसे पहली वजह यह है कि हम लोग जो है उसमें अकबर बर्दाश्त की बुनियादी वजह हमारी मौशी हालत है, माशी हालत। ठीक, हाँ जी। दूसरी वजह जो है बुनियादी वो हमारे सियासतदानों का सेल्फिश होना है, सेल्फिश होना सियासतदानों का। ठीक, हाँ। और तीसरी वजह हमारे खुद बतौर कौम हम ये फैसला नहीं कर पा रहे कि हमने अपने बच्चों की तरबियत इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है या हमने मगरिब की तकलीद करनी है। वो आधा चित्तर आधा बटेर वाला मामला है। हाँ।
हम चाहते हैं ये है कि हम अमेरिका के खिलाफ नारे लगाएं, लेकिन ये भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे अमेरिका जाके पढ़ें। हम चाहते हैं ये है कि हम इस्लाम को नाफिज करें, लेकिन ये भी चाहते हैं कि हम जो है ना रक्षा स्रोत की महफिलें भी देखें और दूसरों पर इस्लाम नाफिज कर दें। हम चाहते ये है कि मुल्क में सब ईमानदार हो जाए, लेकिन हमारे मामले में करप्शन के दरवाजे खुले हों, हमें जायज ना जायज का कोई मामला ना हो। और सोने से सुहागा, मैं माफ कीजिएगा अभी मेरी बात के बाद YouTube पे मुझे और आपको दोनों को गालियां पड़ने का इत्माम है कि जो इमरान खान साहब ने पिछले 4-5 साल से इस कौम के साथ कर दिया है उसमें अदम बर्दाश्त जो है ना वो आपके सामने ही है। उन्होंने पोलराइजेशन सोसाइटी में इतनी ज्यादा कर दी है। अच्छा उसकी ये फिर मैं ये भी नहीं कहता कि सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी इमरान खान की है, तमाम सियासी लोगों की इस तरह से है कि तमाम सियासी रहनुमाओं को अनफॉर्चुनेट लस्ट है, वो चाहते हैं कि किसी तरह से इकतदार जो है उनके घर में ही रहे। पीडीएम ये कहती है इकतदार खत्म ना हो, इमरान खान चाहते हैं दोबारा इकतदार में आ जाए। तो ये जो इकतदार की लस्ट है ये फिर अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए उसके साथ हर इमरान भाई क्या हमारे अदारों को, स्कूलों को, कॉलेजों को, यूनिवर्सिटियों को जो तालीम के महवर हैं, जिनका जिम्मा है करेक्टर बिल्डिंग, क्या वो नाकाम हो चुके हैं? नहीं सर, नाकाम नहीं हो चुके। मैं फिर माफी चाहूंगा, तालीम फरोशी जब होती है ना सर, उस वक्त फिर तरबियत नहीं होती। अच्छी बात की आपके यहाँ तालीम फरोशी है, आप इलम है, इलम बांटा जा रहा है कहीं पे। आप खुद इल्म के एक जो है तालबे इल्म है, मुझे अपने दिल पे हाथ रख के कह दे बिलाल पुत्र साहब कि यहाँ हमारी सोसाइटी में बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटीज जो हैं वो इल्म बांट रही हैं, यहाँ पे तालीम बेचा जा रहा है, तालीम फरोशी हो रही है। मुझे इस ये कहने में कोई आड़ नहीं है कि लम्स जैसी यूनिवर्सिटी जिसमें हम अपने बच्चों को भेज के फख्र करते हैं, उन्होंने बाहर एक इतना बड़ा बोर्ड लगाया हुआ है नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन एक सेमेस्टर की फीस जब वो 6 लाख रुपए या इससे ज्यादा लेते हैं तो मुझे आप बताएं कि एक आम मिडिल क्लास आदमी का बच्चा वहां पे पढ़ सकता है? इसी तरह से जो दूसरी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं उन्होंने जो दुकानदारियां खोली हुई हैं, और फिर हम ये कहें कि हम तलीमी इदारे करके रहे हैं, तो मुझे तो फिर इस बात में बहुत अफसोस होता है कि हम कौन से तलीमी इदारों की बात करें। इमरान भाई आपने बहुत कम वक्त में बड़ा ज़्यादा अच्छा तजिया कर दिया, आपकी बड़ी मेहरबानी। इमरान भाई ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, जर्नलिस्ट हैं, प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने कहा तालीम फरोशी, तालीम को दिया नहीं जा रहा, तालीम को बेचा जा रहा है। क्या ये बात जो है आप मिंबर पर अपने बारे में कह सकते हैं? मैं इस पर ज़रूर ये राय दूँगा कि अगर इलम बेचा जा रहा है यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज में, तो मुझे ये बात कहते हुए बड़ा फ़ख्र महसूस होगा कि मदारिस और मसाजिद में आज भी तालीम और तरबियत फ्री दी जा रही है, बिल्कुल फ्री दी जा रही है, उसमें किसी किस्म नहीं है, उसमें किसी किस्म की तकसीम नहीं है कि फ़लाँ बंदा आएगा तो हम उसको आला तालीम देंगे, फ़लाँ बंदा आएगा तो उसको हम आला तालीम नहीं देंगे। ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, मैं आपकी बात को 100% मानते हुए कि मदारिस के अंदर तालीम फरोशी नहीं है, मसाजिद में दीन फरोशी नहीं है, लेकिन फिर 75 सालों में एक भी लीडरशिप पैदा क्यों नहीं हुई, एक वो मेयार पैदा क्यों नहीं हुआ जो कि उमर खताब का जूते की खाक बन सके? सर हमने उसको प्रमोट नहीं किया, हमने उसको अहमियत नहीं दी, हमने अगर उसको अहमियत दी होती तो आज मदारिस से ही आप उस शख्स का नाम बताएं हम उसे प्रमोट करते हैं, वो कौन शख्स है? दोबारा माजरा, वो शख्स कौन है जिसको के प्रमोट करना है? सर आप किसी भी इदारे को प्रमोट करके देख लें जो कि अमन पसंद है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, अदारों में भी बड़े ऐसे अदारे हैं कि जो बड़ी माजरत के साथ के जो दहशतगर्द पैदा कर रहे हैं, अदारों में ही ऐसे हैं कि जो तो ये जो आप बात फरमा रहे हैं इस वक्त और जो बात इमरान यकूब फरमा रहे हैं ये तो एक चीता चीता नहीं, मतलब एक ब्लैंकेट के तौर पे मुनाफिकाना कौम है ना, फिर क्या कुछ रहे हैं कर कुछ रहे हैं, तो ये हमें ब्लैंकेट किसने उड़ाया होगा ना? सर यही है कि आप अगर आला मदारिस का रुख करते हैं, अच्छे मदारिस का रुख करते हैं, अच्छी मसाजिद का रुख करते हैं, अपनी मसाजिद के अंदर ऐसे लोगों को आप लेके आते हैं कि जो बच्चों की तालीम कैसे लाएंगे, कौन लाएगा? सर ये OIC करेगा काम या हुकूमत करेगी? अगर हुकूमत के हवाले मसाजिद कर दी जाए तो वो भी नहीं आप माने? सर हुकूमत तो मसाजिद को नहीं चलाएगी, आज तक आप देखें कि हमने एक मुल्की सतह पे मसाजिद और मदारिस के हवाले से क्या काम किया, कुछ भी नहीं है, 0% आप समझें मसाजिद और मदारिस के हवाले से। लेकिन उन्होंने नेगेटिव रोल अदा किया, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखिए तो मिडल ईस्ट के अंदर तमाम मदारिस और मसाजिद जो हैं ये हुकूमत का लिखा हुआ खुतबा जुमे का पढ़ेंगे, इतना कंट्रोल है, लेकिन वहाँ पर वो नेगेटिव रोल नहीं फिर नज़र आया।
सर हमने इंडिपेंडेंट तो छोड़ा है लेकिन फिर कंट्रोल भी नहीं किया। सर हमने अगर इसको आज़ाद छोड़ा है तो इतना आज़ाद छोड़ दिया है कि अब इसका बहुत ही आज़ाद छोड़ बन रहा, अब इसको कोई अपने जिम्मा ले नहीं रहा। क्या कहिएगा, ये तो फिर ना पकड़ने वाली बात है ना, सिरा ही नहीं है। किसी चीज को रेगुलराइज नहीं किया जाएगा तब तक उसके अंदर कोई स्ट्रक्चर नहीं आएगा। तो हमारे मुल्क में मदारस में अगरचे तालीम फ्री है पर उनके ऊपर कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है। हम अथॉरिटी को गुनाह समझते हैं, जब भी हम किसी अथॉरिटी का सोचते हैं जैसे पैमरा है या कुछ और है तो हमारे जहन में आता है कि ये कोई बुरी चीज़ है, हम IMF है तो ये कोई बुरी चीज़ है, यूनाइटेड नेशन है तो वो बुरी चीज़ है। तो वो रेगुलेट करना चाहते हैं, तो जब हमें माँ बाप भी रेगुलेट करते हैं वो पता है क्या बात है कि दीन को भी फिर रेगुलेट होना पड़ेगा। नहीं, दीन को रेगुलेट करने की नहीं, उसके तो पैरामीटर्स मुकर है, लेकिन देखना पड़ेगा कि कौन बंदा है जो मेंबर का इस्तेमाल गलत कर रहा है। तो अगर वो कोई गलत बात कर रहा है तो उसका ट्रायल होना चाहिए। इसके मुकाबले में यूनिवर्सिटीज़ जैसी भी हैं, यूनिवर्सिटीज़ में एक HEC का निज़ाम है, एक हायर एजुकेशन कमीशन है जो नज़र रखता है, अगरचे सही तरह नहीं रखता, उसको और बेहतर जैसे PMDC है डॉक्टर्स के ऊपर नजर रखता है। किसी चीज का फ्री होना नहीं हो सकता, इस बात की अलामत नहीं है ये माशरा। आपको लगता नहीं फ्री फॉर ऑल है? किसी चीज का फ्री होना, ये फलाई इदारे, ये सारी चीजें, इनमें से अक्सरियत नौसरबाजी के गढ़ है। यानी जो नेक नामी भी लोग कमाते हैं, पैसे भी कमाते हैं, इन्हें वे ये मनफी काले धंधे हैं जिनको फलाई कामों के नाम पे आप जगह जगह होते देख। सही कह रहे हैं आप, इसी क्या बात है, बात तो सही की है ना। इसका मतलब पता है क्या हुआ कि इस मुल्क के अंदर जब तक रेगुलाइज नहीं करेंगे चीज़ों को तब तक हम किसी के कंधे पे बंदूक नहीं रख सकते। लेकिन क्या मदरसे को रेगुलाइज किया जा सकता है, मस्जिद को रेगुलाइज किया जा सकता है? सर किया जा सकता है, लेकिन उसके ऊपर आप किसको बिठाएंगे? क्या हुकूमत के अंदर का ऐसे लोग मौजूद हैं? मैं बड़ी माजरत के साथ कहूँगा कि हमारी हुकूमत के अंदर तो ऐसे अफराद हैं कि जिनको बड़ी माजरत के साथ सूरह इख़लास भी पढ़ना सही तरह नहीं आती। नहीं, वो सारे तो नहीं है ना, कैबिनेट में अच्छे लोग भी हैं, कैबिनेट में हाफिज भी हैं, मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ, अक्सरियत की बात कर रहा हूँ, मैं सबकी बात नहीं कर रहा। ऐसे अफराद भी हैं कि जिनको नहीं पता कि नमाज के फ़राइज क्या है, नमाज के बाद। तो हमें एक ऐसा फिर बोर्ड तश्कील देना पड़ेगा कि जो ऊपर की सतह पर मदारिस को, मसाजिद को कंट्रोल करे, वहाँ पर ऐसे अफराद को भेजे चेक करके। आपके ख्याल में एक जुमले का हल अगर हो कि अदम बर्दाश्त को कम अज़ कम टेपर कर सकें, कुछ थोड़ा सी नकेल डाल सकें, वो क्या होगा? मसाजिद की जानिब रुजू। डॉक्टर साहब मेरा ख्याल है कि जो हमारा पार्लिमानी निज़ाम है उसको हमने अपनाया हुआ है, तो उसको लेटर एंड स्पिरिट में अपनाएं। और पार्लिमान जो है वो सुप्रीम हो, वो मॉनिटर कर सके, रेगुलराइज कर सके, और उनकी जो बैशिंग होती रही है पिछले 50-60 साल में उस बैशिंग को ख़त्म किया जाए, जिसके कुछ आसार सुपरफिशियल से पिछले दिनों नज़र आए कि उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट जो है ये सुप्रीम अदारा है किसी मुल्क में जहाँ अवाम के नुमाइंदे 400-300। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। लेकिन ये पिछले दिनों जो भी हमारी यूथ ने जो इस मुल्क के अंदर जो दहशत गर्दी से भी शायद आगे, क्योंकि ये कौमी दहशत गर्दी, जब आप कायदे आज़म की तस्वीर को जला दें तो मैं इसको जुर्म नहीं समझता, मैं इसको नेक्स्ट लेवल का जुर्म समझता हूँ। जब आप जना हाउस पे जाके वो बदतमीज़ी करें जो कि आप अपने घर में नहीं कर सकते, तो फिर मेरे ख्याल में ये कौम के वो भी सहाबा बन जाते हैं।